हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये आज का जो व्लॉग है ये बन रहा है शाम के टाइम, क्योंकि अयान साहब खाने हैं विंग्स। और अयान मेरी वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जी। ऑल द टाइम ही इज बिजी देयर इन GTA। चलो फिर किचन में चलो, और हम आज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो हैं हमारे फॉलोअर्स, उनके साथ शेयर करेंगे रेसिपी ऑफ विंग्स। सिंपल सी रेसिपी है, शेयर करती हूँ आपके साथ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आ जाओ अयान, कम ऑन। तो जनाब यहाँ पे बन रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के विंग्स। ये देखें, ये होते हैं जी विंग्स, और ये बच्चों को बहुत पसंद है अयान वगैरह को। तो अयान मेरे पास फ्रोजन चिप्स पड़े हैं, साथ वो बना लेंगे। शाम का स्नैक बन रहा है, साथ विंग्स बना लेते हैं। और चाय पियोगे आप लोग? जी। अच्छा तो बताती हूँ, अब इंग्रेडिएंट देखते जाओ। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे जनाब फूड कलर। फूड कलर से ये ज़रा ऑरेंज ऑरेंज और येलो येलो से ऑरेंज से हो जाएंगे, तो ज़रा मज़े के लगते हैं ये। अच्छा जी, थोड़ा सा मिक्स फिक्स कर लेंगे इसको हम, तो ज़्यादा मेहनत वाले विंग्स नहीं है, झटपट विंग्स हैं, झटपट रेडी। अच्छा जी, फोकस करें जी इसके ऊपर। अच्छा यहाँ इसके बाद ये है जनाब, सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नमक। नमक है आधा खाने का चम्मच, विंग्स है हमारे पास 1 kg, बाकी नमक हसबे जायका भी डाला जा सकता है। कुटी लाल मिर्चें हैं, थोड़ी सी फ्लेक्स जो है ना, जस्ट फॉर फ्लेवर, ज़्यादा नहीं डालने क्योंकि बच्चों ने खाने। आधा खाने का चम्मच है ब्लैक पेपर पाउडर, और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे है अजवाइन 1 teaspoon, ये भी बस थोड़ी सी डलती है, ज़्यादा नहीं डलती। उसके बाद हमारे पास ये है ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच कूटा हुआ ज़ीरा। इससे तो वो जायका आता है ना विंग्स में कि बस क्या ही बात है, आप इसको दोरे डंडे में कूट ले, ठीक है जी। और जनाब अयान इसके बाद ये है सिरका, सिरका आ गया 3 से 4 खाने का चम्मच, ये भी चला गया दरमियान में। और यहाँ पे आ गया हमारे पास चिली सॉस। चिली सॉस जो है ना वो थोड़ा सा बस ऐसे डालेंगे हम, तकरीबन 2 खाने के चम्मच आप लगा लो, क्योंकि बहुत मिर्चीला सा होता है, ज़्यादा ही डालेंगे, मेरे बच्चे अगर पसंद नहीं करते। और एंड पे आएगा जनाब मैदा या कॉर्नफ्लोर 3 से 4 खाने का चम्मच, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही डाल। दिल तो करे वैसे हाथ से मिक्स करूँ, हाथ की मिक्सिंग बड़ी मज़ेदार होती है। हाथ से करें, हाथ चम्मच से करें, फिर पता बाज होगा ना मुझे, या तो फिर मैं ग्लव्स पहनूँ, मसाले लग मिर्चे ना लग जाए ना फिर हाथ में। हाँ बस बस यही चीज़ें हैं, देखो तो मैंने आपके सामने डाली हैं। और जनाब बस हो जाएंगे विंग्स रेडी। तो बाकी आप लोग क्या क्या बनाते हैं अपने बच्चों के लिए स्नैक्स में, हमसे ज़रूर शेयर करें, बताएं। यहाँ पे देखो यार ऑयल भी जो है ना हमारा गर्म हो गया, हल्की हल्की सी ये कोटिंग होगी और बड़े क्रिस्पी से ये बन जाएंगे। तो बस इसकी कोटिंग हो गई है कम्प्लीट, और अब इसकी फ्राइंग करते हैं हम स्टार्ट। और एंड पे अयान भी अपना हिस्सा डाल रहा है जी, मिक्सिंग हो रही है, अयान साहब मिक्सिंग कर रहे हैं। अर्शमान आपको क्या हुआ है? ये ईदल देखने आया है कि ईदल का होला है, ईदल विंग्स बनने हैं। और ऑयल जो है गर्म हो चुका है यान, अब इनको हम उठा, नहीं नहीं नहीं, नहीं आप रहने दो, मेहरबानी आपकी। तो अच्छा नहीं, मुझे वहाँ से पहले वो एक चम्मच फ्राइंग वाला निकाल के दो। आपको ये खाना है क्या? चिली सॉस नहीं, क्यों? चलो यही दे दो, मिर्ची वाला होता है ये। ओके तो जनाब पहले मैं ज़रा एक विंग डाल के इसका ज़रा नमक मिर्च का टेस्ट कर लूँ, आइडिया हो जाएगा कि अगर वो चीज़ कम ज़्यादा है, हम पाकिस्तानियों का स्पेशल टोट का तो कुछ कम ज़्यादा है तो फिर उसको हम बैलेंस कर लेते हैं। आप कहाँ आ रहे हो भाई? अच्छा यहाँ पे ना हमने एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है अपना इस साइड पे, बट अभी शायद अंधेरे की वजह से वो, हाँ नज़र तो आ रहे हैं थोड़े थोड़े इसके पौधे, थोड़े थोड़े आ रहे हैं नज़र, बट लेकिन ये है कि अभी इसको हमने पूरा इस पोर्शन को अभी करना है। ओके अयान एग्जॉस्ट चलाना, अयान इसको चक्कर बताओ कभी, इसको ना अयान चखेगा और बताएगा कि जनाब ये सही बन गया या नहीं, इसमें क्या हालात है नमक मिर्च। अयान लाओ प्लेट लेके आओ, वहाँ से प्लेट लेके आओ। अभी काफ़ी गर्म है वैसे, और ये थोड़ा सा ज़्यादा कुक भी हो गया। अयान बताओ मुझे, माँ केचप के बगैर नहीं मज़ा आता चीज़, वैसे बताओ ना। अभी थोड़ा गर्म होने लगा, ठीक है सब कुछ ठीक है। और अरशमान साहब पहले पहुंच गए, अब बाकी बच्चों को ना बता देना, इत्तला ना दे देना। अब तो बना बन गया है। भूख लगी है। क्या हुआ? मजे कर कैसा? मम्मी
आपने तो अभी मुझे बोला था कि मैं नहीं खाऊंगा। अब ये फ्राइंग के लिए जा रहे हैं और आयुष और अर्चना भी तशरीफ ले आई हैं यहाँ पे। आप लोगों को भी खाना भी बन रहे हैं, इकट्ठे तो बनने दो। डीप फ्राई करना है इसको, ये यहाँ पे हो रहा है डीप फ्राई। और बस जो है अब यहाँ पे फ्राइंग हो रही है। अश्मा आ जाओ, टेस्ट बताओ कैसे अच्छा है। और मैं साथ चिप्स भी बना रही हूँ। अश्मा चिप्स मेरे पास फ्रोजन हैं पड़े हुए, मैं निकालती हूँ। हटो, ओपा के हैं। ये रहे, ये तो बस एक मिनट ही लगेगा इनको भी आने। ज़बरदस्त पैकेट्स निकाल के रख लिए तो अभी अभी इनको छोड़ दो ना। ये फ्राई हो जाए तो फिर आपको दिखा। ठंडे हैं ना, फ्राई करने ना। अयान भाग गया अपनी गेम खेलने के लिए, हमेशा यही करता है। जब बच्चे ये खा लेंगे तो उसके बाद बच्चों ने रात को खाना नहीं खाना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और अब मैं ये छोटी सी हड्डी जो है शेयर करूंगी सैंडी के साथ। सैंडी कहाँ है? सैंडी, 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 सैंडी आ गया, सैंडी आ गया, सैंडी आ गया, सैंडी सैंडी हेलो। और यहाँ पे ये फाइनल फ्राइंग हो गई है इसकी, शक्ल दिखा देते हैं। ये हैं जनाब ज़बरदस्त किस्म के विंग्स, बस इनको मैं करती हूँ डिश आउट और फिर ये चिप्स भी फ्राई करती हूँ अभी मैं। सारे बच्चे जो हैं वो आ गए हैं विंग्स के इंतज़ार में सारे। और अश्मा ने सारा फूड कलर डाले अपनी शर्ट पर। क्या खाना है रुश आपको? विंग्स आधे बन गए, आधे बन रहे हैं, साथ चिप्स भी फ्राई होंगे ना। नहीं पीछे करो बेटा, फ्राइंग के पीछे दूर रहना चाहिए। आपको क्या हुआ? अभी बन रहे हैं, रोते नहीं हैं, रोते नहीं हैं भाई, रोते नहीं। बस वैसे ही हम गाइस के साथ रेसिपी शेयर करते हैं। सारा कुछ क्यों खोला हुआ देखेंगे। ये तो फाइनली सारे विंग्स फ्राई हो गए और अब आ रहे हैं हम चिप्स की तरफ। चिप्स फ्राई करेंगे और फिर एंजॉय करेंगे। चिप्स भी फ्राई हो गए हैं और बस चिप्स निकालते हैं। ये तो जनाब सब कुछ हो गया रेडी और बस अब इसको रखते हैं डिश में और फिर बच्चे करेंगे एंजॉय। और रश्मा चीख रही है, ये आ गया जो। रश्मा क्यों रो रही है? मैं सारे इसमें खा रहा हूँ, गोलू को जो देना दे दे। मैंने पूरी प्लेट उठा ली।
को मैंने दोबारा से किचन में आई और केक बेक किया बच्चों की पुरजोर फरमाइश पे, और ये था जी बनाना केक, फ्रूट केक था, बहुत मज़े का बेक हुआ। और उसके बाद मैं आ गई घर के लिए डाइनिंग टेबल लेने के लिए, और फाइनली आज मैंने जो है ना एक अदद डाइनिंग टेबल अपने लिए फ़ाइनल कर ली। तो जो फ़ाइनल की मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये वाइट वाली डाइनिंग टेबल मैंने फ़ाइनल की है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।